आज के इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करूंगा सेल डिवाइन थ्रोन के अपकमिंग एपिसोड के प्रीव्यू को। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा हाउचिन अपने दोस्तों के साथ हाउयू के दुनिया में आ गया, क्योंकि हाउयू अपने आप को इवॉल्व करवा रहा था। इस दौरान कोई व्यक्ति हाउचिन को हाउयू का सच बताने की कोशिश करता है ताकि इस तरीके से हाउचिन उसका साथ न दे, लेकिन इसी दौरान हाउचिन बेहोश हो गया था, जिसके बाद सायरा वहाँ पर आकर हाउचिन को होश मिलाती है। इसके बाद वो सभी मिलकर उन सभी ज़ॉम्बीज को खत्म कर देते हैं। तब तक हाउयू ने भी अपने आप को इवॉल्व करवा लिया था, जिस वजह से उसका चौथा सर भी आ चुका था। अब यह देखकर तो सभी लोग वहाँ से निकलने वाले थे, लेकिन उससे पहले वो लोग वहाँ से निकलते उससे पहले वहाँ पर तीन किंग आ जाते हैं। अब यह देखकर तो हाउचिन काफी परेशान हो गया था। अब आगे इस प्रीव्यू की स्टार्टिंग दूसरी जगह से होती है। प्रीव्यू की स्टार्टिंग में हम डिमन हॉल के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पर काफी सारे डिमन्स काफी खुशी प्रतीत हो रहे थे, क्योंकि आज यहाँ पर कोई आने वाला था। अब कुछ समय के अंदर अभाव आ गया। अब अभाव को देखकर सभी लोग काफी खुश हो गए थे। सभी लोग अपने घुटनों पर आकर उसे बधाई दे रहे थे, क्योंकि अभाव ने ड्रैगन जेल के सभी मुश्किलों को पार कर लिया था, जिस वजह से सभी लोग अभाव के नाम का नारा लगा रहे थे। अभाव किसी चीज के अंदर से निकलते हुए कहता है, हाउचिन हमारी मुलाकात बहुत जल्द होगी। ये कहते हुए उसने अपनी आंखें खोली, उसकी आंखों से रेड एनर्जी निकल रही थी। उसके ये कहते ही हमारा सीन शिफ्ट होकर हाउचिन और उसके दोस्तों पे आ गया। हाउचिन और उसके दोस्त अभी के समय एलर्स के सामने खड़े थे। एलर उन्हें बता रहे थे किसी कॉम्पिटिशन के बारे में, जिसके अंदर उनका लेवल प्रमोट होकर कमांडर बना दिया जाएगा, लेकिन कमांडर लेवल पर प्रमोट होते ही उनके मिशन का भी खतरा बढ़ जाएगा, जिस वजह से उन्हें काफी परेशानी होने वाली थी, यानी कि हाउचिन और हाउचिन के दोस्तों को। अगले सीन में वो सभी किसी तरह के असेसमेंट को देने के लिए आए हुए थे, लेकिन उनका लेवल कम होने की वजह से उनमें से कोई भी जीत नहीं पा रहा था, जिस वजह से वो सभी काफी परेशान हो रहे थे। तभी एक आवाज आते हुए उन सभी से कहती है, आप सभी को ऐसे ही ट्रेनिंग करते जाना है। जब आप सभी को अपने ऊपर इतना विश्वास हो जाए कि आप इस ट्रायल को चैलेंज कर सकते हैं, तो आप असेसमेंट देने के लिए जरूर आए, यानी कि वो व्यक्ति डिप्रमोट हो जाएगा। यह सुनते ही सभी लोग हैरान हो गए थे। इसके साथ ही साथ वो सभी अपने मुकाबले के लिए काफी सीरियस हो गए, क्योंकि उनकी एक गलती उन्हें काफी बड़ा नुकसान दे सकता था, जिस वजह से हाउचिन की टीम काफी मेहनत कर रही थी ताकि वो किसी तरह अपने अपोनेंट को खत्म करके अपने इस ट्रायल को खत्म कर सके। लेकिन दूसरी तरफ हम उनके अपोनेंट को देखते हैं, जो कि उनसे भी ज्यादा ताकतवर थे, जिस वजह से ब्रदरली और इसके अलावा कुछ साथी अपने अपोनेंट के सामने फीके पड़ते हुए दिख रहे थे। अब इस बात से ब्रदरली काफी घबरा गए थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो अपने अपोनेंट के सामने टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि उसका जो अपोनेंट था वो काफी पावरफुल होता है। क्योंकि दूसरी तरफ हम ब्रदरली के अपोनेंट को देखते हैं, जो कि उससे भी बड़ा डरपोक था। वो अपने सील के अंदर से निकल नहीं रहा था, जिस वजह से ब्रदरली काफी परेशान हो गई थे। ब्रदरली अपने घुटनों पर आते हुए कहते हैं, मैं सबसे बड़ा यूजलेस हूँ, जो कि मैं इस सील को तोड़ नहीं पा रहा हूँ। ये सभी चीजें कहते हुए ब्रदरली काफी परेशान हो चुके थे, लेकिन इसके बावजूद ब्रदरली अपने अपोनेंट पर लगातार हमला कर रहे थे ताकि किसी तरह वो उसके सील को तोड़ सके। लेकिन दूसरी तरफ ब्रदरली के अपोनेंट ने अपने चारों तरफ एक सील बना रखा था, जिस वजह से हम देखते हैं ब्रदरली का कोई भी अटैक उस व्यक्ति को नहीं लगा, जिस वजह से ब्रदरली काफी परेशान हो चुके थे। और इसके अलावा ब्रदरली के अपोनेंट ने अपने कानों को बंद रखा था, क्योंकि ब्रदरली के बकबक बातें उसे काफी ज्यादा चुभ रही थी। ये देखकर ब्रदरली अपने अपोनेंट से कहते हैं, आखिर तुम मुझसे भी बड़े डरपोक कैसे हो सकते हो? अगर तुम में है हिम्मत तो बाहर आकर मेरा सामना क्यों नहीं करते? लेकिन दूसरी तरफ उस व्यक्ति को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उसने अभी के लिए अपनी कहानी को बंद कर रखा था। अब इसी सीन के साथ हमारा ये प्रीव्यू यहाँ पर एंड होता है। इसके नोवेल एक्सप्लेनेशन वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इसके साथ साथ आपको ये वीडियो कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं। अब अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। तो मैं मिलता हूं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।